नमस्कार दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का सबसे फनी बेताज बादशाह है रेणु मंडल, जिनकी कहानी आप सुने होंगे कि एक रेलवे स्टेशन पे बैठ के अपनी जीविकोपार्जन करने वाली वो महिला आज पूरे अपने जीवन का सरताज लेकर आगे बढ़ चुकी है, जिसमें हिमेश रेशमी जो और सलमान खान की अहम भूमिका निभाने के बाद आज वो महिला कहां से कहां पहुंच गई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में और आप सोशल मीडिया पे इतने जोरों से उनका चल रहा है कि जो एक रेलवे स्टेशन पे भीख मांगकर अपनी जीविकोपार्जन करने वाली महिला आज कई करोड़ की मालिक बन गई है। मालिक बनते ही उनके रिश्तेदार, उनके घर के लोग वहां मौजूद हो गए और उन्हें अपना रिश्ता जताने लगे। यही होता है लोगों में कुटरता और देखिए सत्यता की हमेशा विजय होती है। देखिए इस रिपोर्ट दोस्तों, आपने रेणु मंडल के गाने भी सुन लिए और रेणु मंडल के सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करते वीडियो भी सुन लिए, देख लिए। लेकिन आज हम आपको रेणु मंडल की कुछ ऐसी जिंदगी की पल बताने वाले हैं जिसे जानकर आपकी आंखों से भी आंसू, जिसे रेणु मंडल ने स्वयं मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया, जो उनकी 60 साल का सफर है वो किस तरह से गुजरा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं आखिर रेणु मंडल किस तरह से आज सिंगर बनी है और क्या उनके जीवन में किस तरह की संघर्ष करना पड़े। क्या रेणु मंडल एक गरीब परिवार से थी या अमीर परिवार से, आपको सब बताएंगे इसी वीडियो में। देखिए आपको आप देखिए रेणु मंडल का नाम इन दिनों हर किसी के जुबान पर है। रेणु मंडल की जिंदगी और उनके सफर के बारे में हर किसी को ज्यादा से ज्यादा जानने की जिज्ञासा भी। रेणु मंडल ने बताया कि 60 साल पहले उनका जन्म एक खाते पीते परिवार में हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा हालात बने कि वो अपने परिवार से अलग हुए और उसके बाद उनकी शादी दिबंग बॉलीवुड एक्टर फिरोज खान के घर में बतौर कुकर का काम करने वाले शख्स से हुई, जो उन्हें मुंबई ले गया। लेकिन तभी उनके परिवार में दरार आ गई और रेणु मंडल के जीवन का संघर्ष बढ़ गया। आज रेणु मंडल इंटरनेट सेंसेशन है, जिन्होंने रानाघाट स्टेशन से सफर शुरू किया और बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत कर रही है। रेणु मंडल ने मुंबई INS से बातचीत में कहा कि मेरी जिंदगी का कहानी काफी लंबी है, मेरी जिंदगी पर आसानी से फिल्म बनाई जा सकती है, बहुत ही खास होगी। रेणु मंडल की जिंदगी उस वीडियो से बदली जिसमें रेलवे प्लेटफॉर्म पर लता मंगेशकर के सुपरस्टार गाना इश्क प्यार का नगमा है गा रही थी। इसी वीडियो के वायरल होते ही रेणु मंडल पूरे देश में पॉपुलर हो गई। फिर म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया ने उन्हें बॉलीवुड में बतौर प्लेबैक सिंगर लॉन्च कर दिया। रेणु मंडल सुपरस्टार सिंगर एक एपिसोड भी कर चुकी हैं। रेणु मंडल अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं कि मेरी जन्म फुटपाथ पर नहीं हुआ था, मेरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी किस्मत नहीं सिर्फ कुछ 6 महीने की थी तभी मैंने अपने परिवार से अलग हो गई। रेणु मंडल की दादी ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। रेणु मंडल ने बताया, हमारे पास घर था लेकिन आप जानते हैं उसे चलाने के लिए लोग चाहिए। लंबे समय तक अकेलेपन रहे मैं, ईश्वर में विश्वास के साथ संघर्ष करती रही, हालत के मुताबिक गाती थी, लेकिन मुझे गाना पसंद था इसीलिए गाती थी। मैं लता मंगेशकर के गाए हुए गाने को सीखती थी, यही सीखने रेडियो और कैसेट में उनके गाने भी सुनती थी। और रेणु मंडल ने बताया, शादी के बाद पश्चिम बंगाल से मुंबई आई, मेरे पति फिल्म स्टार फिरोज खान के घर पर बतौर कुक में काम करते थे। उस समय उनका बेटा फरीदान कॉलेज में पढ़ता था, वो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह। रेणु ने बताया कि मुंबई में रहना वाकई में मजेदार था, वे नई फिल्म देखने थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फिर परिवार टूट गया और उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। वही रेणु मंडल बताते हैं कि बहुत खुश हूँ, मैं पहले ही 5 से 6 गाने की रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ। सलमान खान के उन्हें मकान गिफ्ट करने पर रेणु मंडल ने कहा, मैं अभी तक सलमान खान से नहीं मिली लेकिन उनकी फिल्म तेरे नाम मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने उनसे कोई भी गिफ्ट मिलने से रेणु मंडल ने साफ इनकार किया। और इसी तरह की जानकारी और कहानी के साथ मिलेंगे फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।